हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया फ्रेंड्स पालक पनीर। देखिए इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने पालक के एक एक पत्ता करके साफ कर लिया है। इसमें मैंने डंडियां बिल्कुल भी नहीं रखी हैं, पालक के पत्ते पत्ते रखे हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल साफ करके फिर इसको मैंने धो के अब मैं कट कर लिया है। कट करके मैं इसे कुकर में बॉईल कर लूँगी और दो सीटी आने तक रखूँगी। इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाली है, अपना स्वाद अनुसार इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है और ये मेरा बॉईल हो चुका है। देखिए अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला है। इसमें आटा अगर आप चावल का डाल देंगे तो और भी बेटर होगा, चावल का नहीं है तो गेहूं का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से, ग्राइंड हो चुका है। इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे तो इसको मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, साथ ही ये पकता रहेगा, इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू बनी रहती है हमारे साथ। यहाँ पर देखिए मैंने पनीर कट कर लिया है, पनीर को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी तो और अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दो चम्मच घी के डाले हैं और इसमें मैंने सारा पनीर ऐड कर दिया है। इसमें हल्के आंच पे मैंने फ्राई कर लिया है, इसको हल्का हल्का ही फ्राई करना है फ्रेंड्स। देखिए ये मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसको मैं, मेरा पालक भी इधर पक चुका है, इसमें पालक में सारा पनीर के पीसेस डाल दूँगी। देखिए अब ये मेरा बिल्कुल पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं तड़का लगाने की तैयारी करती हूँ। इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है, जैसे फिलहाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया और जीरा डाला है। इसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, इसको भी अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी प्याज डाली है, इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है, लाइट ब्राउन होने तक ही भूनेंगे। देखिए मेरा मस्त तड़का तैयार है। यहाँ पर मेरा पालक पनीर भी रेडी हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डालकर अब इसमें तड़का लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पालक पनीर बिल्कुल रेडी है बनकर। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये पालक पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैंने रोटी से सर्व किया है, आप चाहिए तो इसे चावल से भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है चावल से भी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।